हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र में कैसे बजाते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा कि कई सारे तबला प्लेयर्स अपने अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं। हालांकि कल या फिर परसों मेरा भी वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पर शुभेंदु सरकार रिदम करके है। तो आइए, मैंने कुछ उसमें बजाया है, जो मैंने बजाया है मैं आपको वही बताने वाला हूँ, और कुछ अपने तरीके से एडिशनल में बताऊँगा जो कि सुनाई में अच्छा देता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट म्यूजिक है उसमें आप कुछ इस तरीके से बजा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने फिगर दिया था, है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पास आपके पास इस तरीके से एक बेस का तबला होना चाहिए, इसे धमार का तबला भी बोलते हैं आपको। देखिए, या फिर नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने तबले में भी इस तरीके से बजा सकते हैं। अधिकतर ये सारे जो पखावज स्टाइल में जो जितने सारे तबले होते हैं वो थोड़ा सा हैवी साउंड करते हैं, जिस वजह से उसमें एनर्जेटिक ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वाला तबला उसमें यूज़ किया है, साथ में एक बहुत छोटा तबला भी यूज़ किया है। देखिए, ये है, अब ये देखिए, ये तबला है और ये तबला है, तो मैंने ये दोनों तबले उसमें यूज़ किए हैं। तो अब देखिए, ये जो एक फिलर बज रहा है सिर्फ दाहिने में, ये क्या है, देखिए, ना ते ते ते, और फिर उसके बाद तीन ते ते, दो ही इसमें फ्रेज है, ना ते 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 और तीन ते ते, ना ते ते ते, ना ते ते ते, है ना, ना ते ते ते, इस तरीके से आपको बजाना है, ना ते 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 और फिर तीन ते ते, ना ते ते ते, तीन ते ते, देखिए तीन ते ते। तो आइए थोड़ा सा इसको स्लो में देखते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ना ते, देखिए ना ते, इस तरीके से आपको ते बजाना है, ना ते ते ते, है ना, ना ता ते ते भी बोल सकते हैं, ना ता ते ते, है ना। पहला फ्रेज क्या है, ना ते ते टे, या फिर ना ता ते टे, ती न ते टे, ती न ते टे, देखिए ती न ते टे, है ना, ना ते ते टे, ती न ते टे, ना ते ते टे, ना ते ते टे, ती न ते टे, ना ते ते टे, है ना। क्या करना है आपको, ना ते ते टे, ती न ते टे, फिर ना ते ते टे बजा देना है। और फिर नत तटे तीन तटे, नत तटे तीन तटे, फिर उसके बाद नत तटे तीन तटे, नत तटे तीन तटे, नत तटे, नत तटे तीन तटे, नत तटे, इस तरीके से आप अपने तरीके से अलग अलग बार बार नत तटे या फिर तीन तटे को डबल करके या फिर नत तटे को डबल करके इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने क्या बजाया था, सिंपली ये जो एक पैटर्न है ये थोड़ा सा अंदर से जगाता है फीलिंग को, थोड़ा सा जो आप मतलब एक तांडव की जो प्रकृति है, है ना, आप समझ पा रहे हैं कि जो स्तोत्रम की जो प्रकृति है उसका, जो तांडव की जो प्रकृति है उसमें ये बेस वाला तबला तो पहले ज़रूरी होता ही है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने तबले को भी उस ट्यून के साथ मैच करके बजा सकते हैं, और उसके जो एक प्रकृति है उसका जो एक आक्रोशात्मक जो रूप है वो हमें थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से जोरदार बोलों का यूज़ किया जाता है। उसके साथ मैंने एक बोल पैटर्न बजाया था, दिन ता तेटे, दिन ता तेटे, दिन तेटे कत गदि गन, धा दिन ता, देखिए धा दिन ता तेटे, दिन ता तेटे, दिन तेटे कत गदि गन,
इस तरीके से खुला गे है इसमें, देखिए धा दिन ता है ना, धा दिन ता ते ते ते। और देखिए धा दिन ता के बीच में का भी है, ये डायनेमिक बोल है, धा दिन ता के ते ते ते। खुला गे भी है, तो धा दिन ता क ते टे दिन ता क ते टे दिन ते टे का ता ग दी ग न। देखिए धा दिन तक ते टे दिन तक ते टे दिन ते टे का ता ग दी ग न ते टे का ता ग दी ग न। तो धा दिन तक ते टे दिन तक ते टे दिन, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। देखिए धा दिन तक ते टे दिन तक ते टे दिन है ना, और फिर ते टे का ता ग दी ग न ते टे का ता ग दी ग न। कहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, कैसे ते टे का ता ग दी ग न धा दिन तक ते टे दिन तक ते टे दिन ते टे का ता ग दी ग न ते टे का ता ग दी ग न। इसमें क पे एक्सेंट ज्यादा है, ते टे का ता ग दी ग न ते टे का ता को आप प्रॉपर दिखा सकते हैं, ते ते का ता ग ते टे का ता ग दी ग न, इस तरीके से। तो देखिए पूरा फोर्स के साथ अगर इसको हम बजाएं तो कैसा लगेगा, है ना, ये इस तरीके से बजता है। अब इसके बाद मैंने कई सारे पैटर्न बजाए हैं उसमें, वो देखते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अभी एक चीज और है, इसी के साथ साथ देखते हैं धा दिन तक तक दिन तक तक दिन तक 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 दिन के ना। देखिए आप आपने पहले क्या बजाया था, धा दिन ता तक दिन ता तक दिन तक तक दिन के ना, इसी में त्रिकिट ऐड कर देंगे तो और ज्यादा इसमें अच्छा लगने लगेगा। धा दिन तक त्रिकिट दिन तक त्रिकिट दिन, अभी दिन बीचों बीच बजाना है फर्स्ट फिंगर से इस तरीके से, है ना। धा दिन जहाँ पे तेटे बजा रहे थे वहां पे त्रिकिट ऐड कर दीजिए, और सिंपल आपको यही करना है। इसके साथ एक बोल और है, इसको भी आप बजा सकते हैं, है ना, में प्रेशर आएगा, बाकी बोल नॉर्मल बजेंगे, है ना। कैसे बजाएंगे देखिए, साथ में ते है तो धे ते टे, और फिर धे टे ते धिन ता, धिन के साथ भी खुला गया है, और फिर ताक थोड़ा सा प्रेशर के साथ है। तो अभी कैसे बजेगा, धे ते टे धिन ता, देखिए धे ते टे धिन ता, इस तरीके से आपको बजाना है। और फिर जैसे ही धे टे ते धिन ता आपने बजाया है, वैसे ही आपको ते टे ते धिन ता बजाना है ना, ते के साथ का है, ते के साथ का है, और फिर तिन के साथ का है, ता के साथ का है, ते 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 तिन ता, है ना। मैं तिन क्यों बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि बोलने में सुविधा हो रहा है, ते 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 तिन ताक, या फिर ते 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 ताक भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से, और फिर ते 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 धिक धाक, या फिर ते 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 धिन धा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ते 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 धिन धा, है ना, ते ते जहां जहां पे आपने का को दबा के बजाया था वहीं पे आपको
खुला गे बजाना है, ते 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 दिन दा, ते 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 दिन दा, ये इसका लास्ट वाला फ्रेज है। तो कैसे बज रहा है देखिए, थोड़ा सा ये लगता है असमिया पैटर्न की तरह, लेकिन जब आप तांडव के साथ बजाएंगे, स्तोत्रम के साथ बजाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं इसी के साथ कुछ और पैटर्न इसके में बजने वाले हैं। देखिए मैक्सिममली इसमें खुले खुले बोल बजते हैं, इसीलिए ज़्यादा इसको इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स नहीं होते, जैसे कि धा धिन त्रिगड़ धा धिन ताक ता तिन त्रिगड़ धा धिन ताक। जो है उसको म्यूट कर रहा हूं मैं, हल्के इसी को मैं क बोल रहा हूं, देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए, वरना खुला खुला बजेगा एकदम, बिल्कुल खुला भी पूरा गाना ढक सकता है, इसलिए आपको गाने के साथ उसको बचा के आपको बजाना है। तो कैसे बजाना है, देखिए धा सिंपल ता है और खुला वाला गे है, धा धिन दिन इसको तरफ और इस तरफ खुला वाला गे बजाना है आपको, तो धा धिन तिरकट तिरकट ती र की ट धा धिन तिरकट धा धिन। जैसे ही धा धिन आपने पहले बजाया था वैसे ही धा धिन अब भी बजाना है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में, धा धिन तिरकट धा धिन ताक ना, धा धिन तिरकट धा धिन ताक ताक, और फिर धा धिन तिरकट धा धिन ताक। ता तिन त्रिकट धा धिन ताक, ता तिन त्रिकट धा धिन ताक, सिंपल वही है जो पहले फ्रेज में बज रहा है वही सेकंड फ्रेज में भी बजेगा। तो ये इस तरीके से आपको बजाना है। आइए देखते हैं इसमें थोड़े से और कुछ एक दो जोरदार पैटर्न देख लेते हैं, ताकि इसको बजाने में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगे। ये लास्ट में जब इसकी एंडिंग होती है तो आप कुछ इस तरीके से बजा सकते हैं। धिट तक धिट ते तक तक ते धिट तक धिट ते तक तक ते, धेटे ताक धेटे, इतना तो आ गया होगा, थोड़ा सा और स्लो में देख लेते हैं, धेटे ताक धेटे धेटे ताक धेटे धेटे ताक धेटे, है ना, धेटे ताक धेटे, अब तिकता तिकता तेटे धेटे ताक धेटे तिकता तिकता तेटे तिकता तिकता तेटे, देखिए तिक ता तिक ता ते टे, है ना, तिक ता तिक ता ते टे, और फिर तिक तिक ता तिक ता ते टे ते टे ता ते टे तिक ता तिक ता ते टे ते टे ता ते टे तिक ता तिक ता ते टे तिक ता तिक ता ते टे, और फिर ते टे ता के ते टे तिक ता तिक ता ते टे। ये सेकंड पल्ला है, ये सेम वैसे ही है जैसे धिटे तक वाला पल्ला बज रहा है।
ये पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बजेगा, सिंपल। अभी क्या करना है, समाप्ति के लिए छोटा सा एक तिहाई की जरूरत है, तो आप सिंपल वही तिहाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चक्करदार तिहाई और बहुत क्लिष्ट तिहाई नहीं लगेंगी, तो सिंपली आप ये वाला यूज कर सकते हैं। कैसे? ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, बस आपको यही सीखना है। इसको आप इस तरीके से बजा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे उस चैनल में भी विजिट करें और उन सब वीडियो को भी देखें, और जो शिव तांडव है इसको तो ज़रूर ही देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।